नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमें 5000 मुर्गियों के लिए फार्म बनाना है तो हमें सीमेंट की शीटें कितनी लगेगी और कितने रुपए में आएगी, लोहे के पाइप हमें किस रेट में मिलेंगे, कितने लगेंगे, और उसके लिए जो है हमने लंबाई चौड़ाई हमने पहले ही डिसाइड कर लिया और साइट सिलेक्शन भी हमने कर लिया। दोस्तों अब हम आगे जो बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग हो या कोई सा भी बिजनेस हो, उनके बिना इक्विपमेंट, बिना उनकी असेंबली, और जब तक वो सब चीज़ें नहीं लगेगी तब तक जो है हम पोल्ट्री फार्मिंग को रन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मान लो हमने पोल्ट्री फार्मिंग में दाने और पानी के बर्तन नहीं लेके आए तो भी हमारा पोल्ट्री हम पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे, पंखे कूलिंग पैड सब लगा लेंगे, उसके बाद में भी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए जो है हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज जो है आप लास्ट तक देखिएगा। वैसे देखिए दोस्तों, बहुत सारे फार्मर भाई फिर पूछते हैं मुझे कि आपने मतलब पूरी जानकारी दीजिए, पूरी जानकारी। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और बहुत सारे फार्मर भाई उसको एवरेज टाइम ड्यूरेशन मतलब कम देख ही नहीं पाते, तो देख नहीं पाते फिर मुझे उस उतना वीडियो लंबा बनाने से क्या फ़ायदा। इसीलिए दोस्तों मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं 3 या 4 मिनट का वीडियो बनाऊँ ताकि फार्मर भाई इंटरेस्ट से देखें। अगर आप जितने भी फार्मर भाई जो सीखना चाहता है, जो देखना चाहता है और वास्तविकता में चाहता है कि मतलब मैं मुझे पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करना है और मुझे कितना खर्चा लगेगा और किसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, अगर वो देखना चाहता है तो मुझे बिल्कुल आप कमेंट में बताइए कि हाँ मैं वीडियो बनाऊँ और आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि हाँ हम पूरा वीडियो देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस शुरू करें। दोस्तों जो मैं एक्चुअल जो निकाल रहा हूँ, जो कॉस्टिंग जो निकाल रहा हूँ, इसमें आपको मैक्सिमम आपका 5% का वेरिएशन आएगा, चाहे कम आएगा चाहे ज़्यादा आएगा। दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर मान लो 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख जो भी कॉस्टिंग आती है उसमें आपको 25,000 ज़्यादा लगेगा या फिर 10,000 रुपये कम लगेगा। इस प्रकार से ही कॉस्टिंग निकाल के मैं आपको दूंगा, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और आपको सबसे अच्छी बात कि एक चीज़ आपको याद रहेगी, आप लिस्ट बना सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ खरीदना है, ये चीज़ हमारे यहाँ पर इस रेट में अवेलेबल है। तो दोस्तों अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं रेती के ऊपर। दोस्तों रेती जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रेती अब उपलब्ध है। हमारे क्षेत्र में नर्मदा मैया हमारे पास में है तो हमें जो है रेती थोड़ी सस्ती मिलती है, बालू रेती जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ पे करीब 5000 रुपये ट्रॉली के हिसाब से हमें अवेलेबल है। तो दोस्तों हम चाहे तो रेती भी यूज़ कर सकते हैं या हम जो है जो डस्ट भी जो आती है हम डस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ये जो फार्म बना हुआ है इसमें लगभग सिर्फ एक ही ट्राली मैंने बालू रेती का उपयोग किया, जब मैंने कलम खड़ा करना था तभी मैंने यूज़ किया है। बाकी जो मैंने पूरा फार्म जो है पूरा जुड़ाई भी जो है 4 इंच की जुड़ाई भी मैंने पूरी डस्ट से की है। अभी जो दीवार देख रहे हैं इसमें दीवार में ऊपर पूरी डस्ट से है, नीचे से जो रेती बच गई थी एक ट्राली में उसी में मैंने ये दीवार भी खड़ी कर दी थी और ये दीवार भी खड़ी कर दी थी। ये जितनी भी दीवारें आप जो दिख रही है सब जो है डस्ट से जुड़ी हुई है और मुझे इसमें किसी प्रकार से समस्या नहीं है। तो दोस्तों डस्ट हमें यहाँ पे 3000 रुपये ट्राली मिल रही है और रेती हमें 5000 रुपये ट्राली मिल रही है। दोस्तों डस्ट और रेती में दोनों में एक और डिफरेंस है कि डस्ट थोड़ी सीमेंट कम लेती है और रेती थोड़ी सीमेंट ज़्यादा लेती है, किंतु मजबूती में आपको रेती की मजबूती ज़्यादा होती है और डस्ट की मजबूती कम होती है। किंतु दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, रेती हमेशा आपको कम मिलेगी। 100 फीट की ट्राली का बोलेंगे जरूर हो, किंतु 100 फीट वास्तविकता में नहीं आती, वो आती है करीब 90 फीट या 85 फीट। और दोस्तों डस्ट तो हम ऊपर तक भर के ले आ सकते हैं, डस्ट जो है हमें पूरा 100% जो अगर 100 फीट है तो 100 फीट ही हमको डस्ट मिलेगी। अब दोस्तों हम चाहें तो डस्ट या रेती हम कुछ भी मान सकते हैं, किंतु हमने जो है रेती का कैलकुलेशन लिया है और हमें 7 ट्राली जो है ज़मीन भी बन जाएगी और आसपास हमारा फार्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 ट्राली रेती में हमारा फार्म कंप्लीट हो जाएगा। एक का एक ट्राली रेती की कीमत हमने 5000 मानी तो टोटल 35000 रुपये हमारी रेती की कीमत हो गई। गिट्टी 20 mm रहेगी तो 3 ट्राली गिट्टी में हमारा फार्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक की कीमत हमने 3000 रुपये मानी। हमारे यहाँ पे जो एवरेज रेट है मैंने उसी रेट के हिसाब से पेमेंट का कैलकुलेशन में कर रहा हूँ। तीसरा सीमेंट, सीमेंट दोस्तों इसमें 150 बैग सीमेंट लगेगा। दोस्तों अब सीमेंट का तो कोई कैलकुलेशन नहीं लगा सकते कि यहाँ पे इतना बोरी लगेगा यहाँ पे इतना बोरी लगेगा, किंतु एवरेज जो मैं मुझे जहाँ तक ख्याल है क्योंकि मैं तो पूरा कैलकुलेशन भूल गया हूँ वैसे, किंतु 150 बैग सीमेंट आपको जो है पूरा ज़मीन भी बन जाएगा, आपका फार्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों 150 बैग अभी हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग सहित 430 रुपये में आ रही है, 430 रुपये में हिमाली लग रही है। तो दोस्तों 150 बैग सीमेंट आपको 430 के हिसाब से 64,500 की हो गई, गिट्टी आपकी 9,000 की हो गई और रेती आपकी 35,000 की हो गई। दोस्तों अब सरिया में भी हम दो प्रकार के सरिया यूज़ करेंगे, एक तो 10 mm और एक 6 mm। दोस्तों 10 mm जो सरिया है वो आपको लगेगा 200 kg और 6 mm सरिया आपको लगेगा 100 kg। तो दोस्तों ये आप कैलकुलेशन लगा मतलब आप जब बनाएंगे तब आपको पूरा एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा कि आपको जो है 3 क्विंटल सरिया में आपका काम हो जाएगा, 200 kg जो है आपको 10 mm लगेगा और 100 kg आपको 6 mm लगेगा। दोस्तों
300 kg का टोटल। अभी का जो आज का जो मैंने रेट पता किया वो 68 रुपये पर केजी, दोनों का रेट सेम बताया है उन्होंने दुकानदार ने, तो टोटल 68 रुपये के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया, 20,400 रुपये का हमें सरिया लग रहा है। दोस्तों इसमें रेती में हमने ट्रांसपोर्टिंग काउंट कर लिया है, गिट्टी में हमने ट्रांसपोर्टिंग काम कर लिया है, सीमेंट में हमने ट्रांसपोर्टिंग काउंट नहीं किया है और सरिया में भी हमने ट्रांसपोर्टिंग काउंट नहीं किया है। अब दोस्तों ईंट में हम ट्रांसपोर्टिंग काउंट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, हमें टोटल 10,000 ईंट लगेगी। अब वो किस प्रकार से लगेगी मैं एक बार आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों हमारे यहाँ पे ईंट का जो साइज है वो 4 इंच चौड़ी, 4 इंच मोटी और 8 इंच जो है उसकी लंबाई आती है हमारे यहाँ पे। तो दोस्तों अब ईंट तो पूरे फार्म में ही लगेगी, तो पहले हम बात कर लें कि हमको ज़मीन से 2 फीट ऊपर उठाना है फार्म को, तो हम पहले चारों तरफ की हम चूँकि हमें पूरे चारों तरफ का एरिया काउंट करना पड़ेगा और चारों तरफ जो है हम पूरे नीचे से ज़मीन से जो है हम करीब 9 इंच की दीवार उठाएंगे, उसके बाद में जो है हम फिर 4 इंच की दीवार उठाएंगे। तो दोस्तों ये देखें चारों तरफ जो है 130 × 2 तो कितना हो गया 260 फीट, 30 इधर और 30 इधर। अब हमको पूरे फार्म को ही उठाना है तो हमने टोटल जोड़ लिया, टोटल 130 और 30 टोटल 320 फीट हो रहा है दोस्तों। ये अभी फीट में है, अभी चूंकि हमारी ईंट जो आती है वो इंच में आती है तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। दोस्तों मैंने जब फार्म बनाया था करीब मेरे ख्याल से 50 पेज की एक रब काफ़ी भर दी थी पूरी, क्योंकि मेरे पास में पैसा नहीं था और मैं चाहता था कि मैं फार्म बनाऊँ। अब फार्म बनाने के लिए मुझे ये भी एक समस्या थी कि मैं मुझे कौन सी चीज़ कितनी लग रही है, तो मैं उसमें डेली बैठता था, डेली कैलकुलेशन निकालता था कि इतना फीट ये है तो मुझे इतनी चीज़ें लगी। दोस्तों एग्जैक्ट वही का वही हुआ, कुछ परसेंटेज में वेरिएशन रहा, किंतु फिर भी जो मैंने जो सोचा और जो मैंने प्लानिंग की वही का वही मुझे फार्म बनाने में खर्चा लगा। तो दोस्तों टोटल 320 फीट हो रहा है, 320 फीट में हम पहले इंच में कन्वर्ट कर लें, 320 में 12 का गुणा करेंगे तो टोटल 3840 इंच हो रहा है। उसमें जो है 4 इंच से हम भाग देंगे, क्योंकि ईंट जो है पहले 9 इंच वाली दीवार हमको बनाना है, तो वो उसकी चौड़ाई भी 4 इंच है और हाइट भी उसकी 4 इंच है, तो हम 4 से भाग करेंगे तो टोटल आ गया 960। मतलब कि एक पूरे फार्म का राउंड घूमने में हमको 960 इंच लगेगी। ये हम 4 इंच की बात करें, मतलब अगर हम 9 इंच की अगर दीवार उठा रहे हैं तो पूरे फार्म घूमने में हमको 960 ईंट लग रही है। दोस्तों अब हमको ये भी पता है कि 960 ईंट तो हमको लग रही है, किंतु ज़मीन से हमको 2 फीट ऊपर उठाना है। अब 2 फीट में कितना इंच होता है, 2 फीट में 24 इंच होता है। अब 24 में फिर हम 4 से भाग करेंगे तो टोटल हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 6 मतलब लाइन निकल के जाएगी। मतलब कि इस मतलब पूरे फार्म की राउंड घूमने में हमको 2 फीट ऊपर उठाने में हमको 960 की 6 लाइन हमको लगानी पड़ेगी। दोस्तों हम इस प्रकार से देखेंगे 960 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो 5760 ईंट आ रही है, मतलब कि 6000 ईंट, क्योंकि 250 ईंट तो ऑब्वियसली अगर मान लो इतनी ईंट अगर आएगी तो उसमें टूट भी जाएगी, ख़राब भी हो जाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ पे 6000 ईंट लगेगी। अब दोस्तों मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर आपको ज़मीन के से नीचे अगर उठाना है तो आप यहाँ पे जो खंजर ईंट जो आती है, ख़राब ईंट जो आती है, उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ये ईंट आपको 11,000 रुपये मिल रही है तो वो ईंट आपको 8,000 रुपये में मिल जाएगी। किंतु दोस्तों उन ईंटों की एक समस्या ये रहती है कि वो मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम कर देती है और जो फार्म फिर उनको उसमें लेवल लाने के लिए जो है हमें रेती या फिर जो डस्ट जिसकी भी हम जुड़ाई कर रहे हैं वो हमको ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि उन ईंटों का कोई शेप नहीं आता है, शेप आता है थोड़ी उबड़ खाबड़ आती है उसके कारण जो है, और फिर उसके कारण जो मजबूती में डिफरेंस आता है क्योंकि वो जो मटेरियल हमको ज़्यादा लगा है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हमारी वहीं की वहीं पहुँच जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको ऑप्शन जरूर बता दिया कि आप चाहें तो आपका दिमाग लगा के आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो फार्म बना हुआ है इसमें नीचे तो मैंने सारी खंजर ईंट ही लगाई है। दोस्तों मैंने डस्ट से जुड़ाई की तो मुझे थोड़ा इकोनॉमिक रहा, अगर मैं रेती से करता तो डस्ट मुझे ये जो खंजर ईंट मुझे महंगी पड़ सकती थी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया 6000 ईंट तो जो है आपको ज़मीन से 2 फीट ऊपर उठाने में ही लग जाएगी। अब दोस्तों एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे हमने ज़मीन की लेवल जो है एक आइडियल पोजीशन में माना है, एक साइड मतलब दोनों तरफ है जो है बराबर पोर्शन है और हमने उसको 2 फीट हमने ऊपर उठाया। कि हो सकता है किसी साइड जो है 1 ही फीट उठाना पड़े, दूसरी साइड आपको 3 फीट उठाना पड़े, या फिर किसी साइड में आपको 2 फीट उठाना पड़े, किसी साइड में आपको करीब 4 फीट उठाना पड़े, क्योंकि ज़मीन जो है ऊपर नीचे होती है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी ईंट ज़मीन से ऊपर उठा 2 फीट ऊपर उठाने में ईंटों की संख्या। अब दोस्तों अब फिर हम यहाँ पे जो है ये 260 130 है और 130 हम जैसे ये जो दीवार दिख रही है आपको, ये ज़मीन से हमको 2 फीट मतलब जब हमने फार्म बना दिया, फार्म के ऊपर जब हमने फ्लोर बना दिया, फ्लोर से ऊपर जो है ये दीवार जो सामने दिख रही है ये दीवार हमको 2 फीट ऊपर उठानी है। तो दोस्तों हम उसका कैलकुलेशन जमाएंगे तो 130 × 260 में हमने 12 का गुणा किया 3120, इसमें 8 इंच से भाग करेंगे, क्योंकि दोस्तों
हमें एक हमें इस प्रकार से जो ईंट लग रही है तो उस प्रकार से हमको 390 ईंट लग रही है एक लाइन में। तो अब देखिए एक लाइन में 390 ईंट लग रही है, अब उसी में हम जो है 4 फीट हाइट से अगर भाग करेंगे टोटल 2340 ईंट हमें लग रही है। ये 390 में हम 6 का गुणा कर देंगे क्योंकि हमको 2 फीट में 24 इंच होता है और 4 इंच जो है ईंट की हाइट होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखें टोटल 390 में हमने 6 का गुणा किया है तो 2340 ईंट हमें लगी। तो दोस्तों अब हम टोटल ईंट का कैलकुलेशन देख लेते हैं। दोस्तों हम एक तो हमारी साइड में जो 2 फीट की दीवार है उनका भी कैलकुलेशन हो गया कि हमें 2360 ईंट लग रही है। अब दोस्तों इस प्रकार से कुछ हमारा फार्म जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब इस प्रकार से आप देख लीजिए यहाँ पे जो है एग्जॉस्ट फैन जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे मात्र एग्जॉस्ट फैन का दीवार का पोर्शन छूटेगा, बाकी तो है पूरा पोर्शन यूज़ होगा। तो दोस्तों इसका हमने कैलकुलेशन लगाया तो हमको इस प्रकार से जो दीवार उठाने में करीब 945 मतलब कि 1000 प्लस 200 टोटल 1200 ईंट के आसपास हमें 1200 ईंट दोस्तों हमें जो है ये दीवार उठाने में हमें 1200 ईंट का ईंट लगेगी। तो दोस्तों हमने टोटल ईंट का कैलकुलेशन लगाएंगे तो 6000 हमें ज़मीन से उठाने में 2340 ईंट जो है हमें आसपास की 2 फीट की दीवार बनाने में और 1000 ईंट जो है हमें इस प्रकार की दीवार बनाने में 1000 से 1200 ईंट तो टोटल 9340 ईंट। तो हम इसको जो है 10000 ईंट मान रहे हैं मतलब कि हमें अगर 5000 मुर्गियों का फार्म बनाना है तो टोटल ज़मीन से ऊपर तक जो है हमें 10000 ईंट लगेगी और एक ईंट हमारे यहाँ पे जो है 5.5 रुपये की आ रही है। तो अगर हम 10000 में 5.5 का गुणा करेंगे टोटल 55000 रुपये की हमारे यहाँ पे ईंट आ रही। तो दोस्तों आप आशा करता हूँ कि आपको ये जो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल कितना कितना मटेरियल की कॉस्टिंग। अभी दोस्तों हमने सिर्फ मटेरियल की कॉस्टिंग निकालेंगे, टोटल मटेरियल कितना कौन सा लग रहा है कितना लग रहा है हम उसकी कॉस्टिंग निकालेंगे, उसके बाद में फिर लास्ट में हमें बचेगा हमको फार्म को इसी करना है, उसकी वायरिंग करना है और फार्म के अंदर लास्ट में हम निकालेंगे कि हमें लेबर कितनी लगेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।